इन नॉर्मल ईसीजी और ईकेजी द आर आर इंटरवल विल बी इक्वल। Absolutely equal. With presence of P wave. तो आर आर इंटरवल बराबर हैं तो ये रेगुलर रिदम हुआ, और प्रत्येक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के पहले पी वेव है, इसका मतलब साइनस रिदम है, तो हम इसे नॉर्मल साइनस रिदम कहेंगे। नॉर्मल रिदम में आर आर इंटरवल बराबर होते हैं, और साथ में पी वेव मौजूद होता है, तो इसे हम नॉर्मल साइनस रिदम कहते हैं। ये कौन सा रिदम है? तो ये नॉर्मल साइनस रिदम है ना, मतलब नॉर्मल ईसीजी है, नॉर्मल हार्ट कंडक्शन है। अगर हम इस ईसीजी स्ट्रिप की मदद से एचआर निकालना चाहें, हार्ट रेट, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दो आरआर इंटरवल के बीच में बॉक्स कितना है? 1 बिग बॉक्स, 2 बिग बॉक्स एंड 3 बिग बॉक्स। 300, 150, 100, मतलब 100 या 99 के आसपास इसका एचआर है नॉर्मल साइनस रिदम में, जो कि रेस्टिंग हार्ट रेट होता है 60 to 100, तो 100 के आसपास है तो नॉर्मल है। पी वेव अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वेव है, क्यू वेव निगेटिव वेव है, आर वेव पॉजिटिव वेव है, एस वेव निगेटिव वेव है, और टी वेव पॉजिटिव वेव है। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ निगेटिव डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ निगेटिव डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो रहा है। पी वेव दोनों एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, और टी वेव वेंट्रिकल्स के रीपोलराइजेशन को बताता है, ठीक है, मतलब रिलैक्सेशन को बताता है। तो पी वेव डीपोलराइजेशन को बताता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी डीपोलराइजेशन को बताता है, और टी वेव रीपोलराइजेशन को बताता है। और इसी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के जब ये जब बनता है तो इसी में हिडन रहता है एट्रिया का रीपोलराइजेशन।